झटपट दुकान स्टोर बनाने से आपके स्टोर को हर घर तक ले जाने तक। बिग ब्लेस हर कारोबारी की खुशियों की चाबी, खुशियों की अपनी दुकान। केंद्र सरकार ने साफ कर दिया है कि दूध को न्यूनतम समर्थन मूल्य यानी MSP के दायरे में नहीं लाया जाएगा। पशुपालन और डेयरी विभाग देश में दूध की खरीद और बिक्री की कीमतों को रेगुलेट नहीं करता। इसकी कीमत सहकारी समितियों और निजी डेयरियों द्वारा उनकी उत्पादन लागत और बाजार की शक्तियों के आधार पर तय की जाती है। लोकसभा में केंद्रीय मंत्री पुरुषोत्तम रूपाला ने कहा कि दूध की कीमत सरकारी नियंत्रण से मुक्त होने के कारण विभाग के पास देश में दूध के लिए न्यूनतम समर्थन मूल्य तय करने का कोई प्रस्ताव नहीं है। सरकार के इस निर्णय के बाद दूध उत्पादक किसानों ने विरोध करने का फैसला किया है। पशुपालक लंबे समय से दूध को MSP के दायरे में लाने की मांग कर रहे हैं, क्योंकि कई बार किसानों को पानी से भी सस्ते दाम पर दूध बेचने के लिए मजबूर होना पड़ता है। दूध की अच्छी कीमत को लेकर पशुपालक देश में कई बार आंदोलन कर चुके हैं। दरअसल दूध का दाम तय करने का एक फॉर्मूला है। इसका दाम गुणवत्ता के हिसाब से घटता बढ़ता है। डेयरी कंपनियां फैट और SNF के आधार पर कीमत तय करती है। इसका बेस दूध में 6% फैट और 9% SNF होता है, यानी कि सॉलिड नॉट फैट। मैं बता दें, इस स्टैंडर्ड से नीचे ऊपर होने पर दाम कम और ज़्यादा हो जाता है। बकायदा किसानों को मिलने वाले बिल पर लिखा जाता है कि कितना SNF और कितना फैट है। मैं बता दें, भारत दूध उत्पादन के मामले में दुनिया भर में पहले स्थान पर है, लेकिन दुर्भाग्य से उसके उत्पादक परेशान हैं, क्योंकि जिस हिसाब से चारा, पशु आहार और पशुओं के रख रखाव पर खर्च बढ़ रहा है, उस हिसाब से उन्हें दाम नहीं मिल पा रहा है। फिलहाल उत्पादन की बात करें तो साल 2020-21 में यहां 209.96 मिलियन टन दूध का प्रोडक्शन हुआ था, जो विश्व का करीब 22% के आसपास है। ब्यूरो रिपोर्ट, मार्केट टाइम्स TV। आपके प्रोडक्ट बेचने से आपकी सेल बढ़ाने तक बिग ब्लेस हर कारोबारी की खुशियों की चाबी, खुशियों की अपनी दुकान।